हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कार्यपत्रक नंबर 15। इससे पहले के कार्यपत्रक आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्रभा कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 7 की है ये। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, हल करें। सैकड़ा, दिहाई, इकाई, तो इसमें क्या करना है हमें, 182 में से 128 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 54। इसी तरह 9201 में से 9102 को घटाएंगे तो 99। 85321 में से घटाएंगे 53881 को तो आ जाएगा हमारा 31500। अगला 64310 में से 33410 को घटाएंगे तो 30900। अगला, नीचे दी गई आकृति को बॉक्स में लिखे अंक स्थानीय मान बताएं। तो इसमें है 2 4, 4 का कौन सा है हमारा स्थान, 4 का है सैकड़ा, तो इसमें लिखेंगे हम 400। और इसमें 4 का स्थान कौन सा है, इकाई, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम 4। इसी तरह ख में 8 का जो स्थान है वो है दिहाई, तो 80। और इधर 8 का स्थान है इसमें सैकड़ा, तो इसमें लिखेंगे हम 800। इधर 8 का स्थान है हमारा हैकड़ा, तो इसमें लिखेंगे हम 8000। और अगले में 8 का स्थान है हमारा इकाई, तो 8 लिखेंगे। इसमें 8 का स्थान है, 3 का स्थान है 8, यहाँ 3 का स्थान है, इसमें 3 का स्थान हो गया हमारा हैकड़ा, तो इसमें 3000। और 2 का स्थान है इसमें सैकड़ा, तो 200। अगला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं को तुलना बॉक्स में लिखिए, बड़ा, छोटा, बराबर। तो इसमें जो हमारी बड़ी संख्या है 6430, तो इसकी तरफ करेंगे। अगला 3030, अगला 56033, इसकी तरफ करेंगे। अगला, इसका मुंह बड़ा है ये, अगला नंबर है हमारा 24201 और 24021, तो इसमें हमारा हम लगाएंगे 24201 की तरफ। अगला नंबर है हमारा बराबर, अगला नंबर है 61123 और 61138, 138 वाला नंबर बड़ा है। अगला 2015 और 205, 2015 बड़ा है। अगला हमारा 110 और 1100, तो इसमें हमारा 110 बड़ा है हमारा। अगला 33002 और 33202 बड़ा है। अगला हमारा 42124 बड़ा है। इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक नंबर 15 समाप्त होता है। धन्यवाद।